हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली की बहुत ही टेस्टी पराठों की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इन पराठों को बनाने में ना ही फटने का डर है, ना ही तो इनका पानी रिड्यूस होने वाला है, और ढेरों पराठे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये तीन ली है मूली, जिन्हें आप ताज़ी ही लें, बासी मूली ना लें, ना ही बहुत मोटी मूली लें। मीडियम साइज़ की मूली लेना है हमको, जिससे कि इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और इन्हें हमें अच्छी तरह से आप छील लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने छील लिया है। तो हमें सभी मूलियों को इसी तरह से छील लेना है, ये काफ़ी टाइट भी है, ये देखिए। तो मूलियों को हमने अच्छी तरह से छील लिया है। यहाँ पर हमें मीडियम वाला ग्रेटर लेना है, और ग्रेटर से इन्हें अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। तो आप अच्छी तरह से इन्हें ग्रेट कर लें। ये पराठे आप चाहे जितने भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन पराठों को बनाने में ना ही हमारे मूली का पानी वेस्ट होने वाला है, ना ही हमें घंटों मेहनत करनी है। झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में इतने टेस्टी कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके पास ये ग्रेटर ना हो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें और अच्छी तरह से आप इन्हें ग्रेटेड कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी मूलियों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इनमें ना ही हम नमक डालेंगे, ना ही इनका पानी रिड्यूस करेंगे। अब सीधे ही हम क्या करेंगे, एक बाउल में ले लेंगे आटा। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 2.5 से 3 कप के लगभग ले रही हूँ। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला आटा है ये। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए लगभग 3 कप के लगभग ले लिया है। आधा कप हम डाल देंगे यहाँ पर बेसन। बेसन डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, इससे बहुत ही टेंगीनेस आएगा। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला भी। अब यहाँ पर ग्रीन चिली चॉप करके 3 मैंने डाल दी हैं। 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है। चॉप की हुई हम धनिया भी डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। अजवाइन डाल देंगे 1 टीस्पून। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, साथ ही ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। सारे मसालों को हमने डाल दिया है। अब हम इसमें कोई भी और भी ऐड मसाले नहीं करेंगे। ज़्यादा मसाला डालने से जो हमारी ओरिजिनल मूली का टेस्ट होगा पराठों का, वो दब जाएगा। तो आप ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करें, बस सिंपल से कुछ ही बेसिक से मसालों को डालें। अब डाल देंगे हम इसमें नमक। तो मसालों को हमने सभी को मिक्स कर दिया है। जैसे कि मैंने अदरक और मिर्च को खड़ा ही डाला है, आप चाहे तो उन्हें पीस करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। अब हम इसमें एकदम से पानी नहीं डालेंगे। अब जो हमने मूली लिया था ना, पहले हम उसको डाल देंगे, क्योंकि इसमें पानी अब पहले से ही होता है। तो हमने ना ही इसका पानी निचोड़ा है, ना ही अलग किया है। तो सबसे पहले हम मूलियों के साथ में ही आटे को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। यदि हमको लगेगा कि थोड़ा पानी इसमें लगेगा, तभी हम पानी ऐड करेंगे, वरना मूली के मॉइस्चर में ही हम डो लगा कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मूली हमारा जो पानी है, बहुत ही अच्छी तरह से आटे में एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अभी भी ये ड्राई है ना। तो हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार करना है। इसका सख्त ही डो लगाएं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आपका बाद में भी आता है, तो आटा अच्छी तरह से सेमी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये आटा हमारा लगकर तैयार हो गया एकदम सख्त सा। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। पराठे यदि सरसों के तेल में बनते हैं ना, तो बहुत ही स्मोकी सौंधे सौंधे बनते हैं। आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल से बनाएंगे तो ये फ़ायदेमंद भी होगा, साथ ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो आटे को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट होने के लिए। हमने इसको एक बार फिर से नीट कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे पोर्शन कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेशेदार हमारे मूली इसमें भरी हुई हैं। ना ही स्टफिंग हमको अलग से बनाना है, ना ही अलग से हमें मेहनत करनी है। बस इस तरह से डो लगाकर आप रख लीजिए, और जब चाहे तब आप इनके पराठे बनाकर दे सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये पराठे बहुत ही पसंद आने वाले हैं। जब पराठे बनते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है, घंटों घंटों पराठे बनते हैं। तो आप इस तरह से एक बार में बनाकर तैयार कर लीजिए सारे आटे को, और फिर गर्मा गर्म पराठों को बनाकर तैयार कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये राउंड शेप का पराठा बनाया है। आप इस तरह से चाहे जैसे पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। पराठा एक हमारा तैयार है, अब हम गर्म तवे में डाल देंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाना चाहिए हमारे पराठे को। इसके बाद हम इसको सेकने में भी ऑयल हम यहाँ पर सरसों का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आप सरसों के तेल से इन पराठों को ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही स्मोकी फ्लेवर के बनते हैं,
और अगर आप भी सरसों के तेल से बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो ये देखिए, ये फूलना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो है ना, बहुत ही कम मेहनत में बनने वाले बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे हमारे तैयार। इस तरह से आप चाहे जितने भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना ही आपको बार बार स्टफिंग भरना, ना ही आपके पराठे को फटने का डर, और ना ही और कोई झंझट। तो इस तरह से आप ढेरों पराठे बना लें। तो ये देखिए, हमारा पराठा तैयार है। इसी तरह से हम और भी बाकी के बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको मेरे चैनल में बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेंगी, जो घर में रखे हुए बेसिक सामान से बनकर तैयार होगी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही कम सामान के साथ। तो जल्दी से विजिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिले तो उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लें, ऑल पर क्लिक कर लें। तो हमारा ये पराठा भी बनकर तैयार है। तो लीजिए, हमारे ढेरों पराठे बनकर तैयार है बिना किसी मेहनत के। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।